आपके साथ ललित, और खबरों की शुरुआत करेंगे सीधी से बड़ी खबर हादसे की आ रही है। एक तेज रफ्तार बस पलट गई है। इस हादसे में 11 यात्री के घायल होने की खबर आ रही है। उसमें 4 यात्री गंभीर बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीधी से डागा की तरफ ये यात्री बस जा रही थी। सेमरिया मुख्य बाजार में ये यात्री बस पलट गई, तेज रफ्तार में थी और इसी वजह से ये यात्री बस पलट गई, जिसमें 11 यात्री घायल हुए हैं। उनमें से भी 4 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं। स्तुति मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त हादसे से जुड़ी हुई क्या ताजा अपडेट आ रहा है। ललित जी, आपको बता दें कि सीधी से डांगा जा रही थी बस, और सिमरिया जैसे ही पहुंची बीच बाजार में उसका एक्सीडेंट हुआ है। यह एक्सीडेंट अनियंत्रित होने के कारण हुआ, अनियंत्रित उसकी स्पीड थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 11 लोग घायल हुए, जिनको 4 को सिमरिया हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भर्ती कराया गया है। थोड़ी उनकी गंभीर स्थितियां हैं, उसको देखते हुए उनको रेफर करने की कार्यवाही की जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको रेफर किया जाएगा। क्या ये तेज रफ्तार में थी बस, इसी वजह से पलटी, या फिर कोई और बड़ा कारण था इसके पीछे? नहीं, इसमें बस का तेज रफ्तार होना ही बताया जा रहा है, तेज रफ्तार होने के कारण बस एक्सीडेंट हुआ है। दूसरे कारण कोई भी नहीं दिखते। लेकिन यहाँ एक बात आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आरटीओ विभाग की कमजोरी दर्शाती है कि जो आए दिन सीधी में बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वाहनों का प्रॉपर चेकिंग ना होना। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे स्तुति जी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो सीधी में एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें तेज रफ्तार बस पलट गई, 11 यात्री घायल हुए, 4 गंभीर है, जिन्हें